नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैलेंज के जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तो अभी हम यह वीडियो आरंभ करते हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन पर भीषण हमला कर दिया है। इस हमले से दुनिया भर में दहशत का माहौल है। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की छवि और ज्यादा मजबूत हो गई है। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ पुतिन की चर्चा है। लोग पहले से ही उन्हें एक ऐसे राजनेता के तौर पर देखते हैं कि जो किसी से न डरता है और न किसी से झुकता है। 2015 में पुतिन ने कहा था कि 50 साल पहले लेनिनग्राद की सड़कों ने मुझे एक नियम सिखाया है कि अगर लड़ाई होनी तय है तो पंच पहरा मारो। इट मीन्स जो लड़ाई शुरू हमको करनी चाहिए, ना कि सामने वाले को, ऐसा उनका मानना। आपको बता दूं कि 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए हैं पुतिन। मींस वहां से अभी तक के राष्ट्र 7 मई 2012 से लेके अभी तक वो अभी राष्ट्रपति हैं। पुतिन का 2018 के चुनाव में 75% से ज्यादा लोगों ने उन्हें पसंद किया था। 75 में 75। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे केजीबी के जासूस और फौलादी इलाडों वाले पुतिन ने खुद को इतना मजबूत बना लिया है। व्लादिमीर पुतिन का पूरा नाम व्लादिमीरोविच पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन की गिनती रूस के सबसे लोकप्रिय और सफल राजनेता में की जाती है और 23 साल की उम्र में उन्हें रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी में काम करना शुरू कर दिया था। 1980 में केजीबी के द्वारा उन्हें जर्मनी के शहर ड्रेसडन में एक ट्रांसलेटर के रूप में नियुक्त किया गया। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद पुतिन वापस आ गए और राजनीति में अपना कदम रखा। पुतिन पहली बार 1996 में राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन के प्रशासन में डिप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर शामिल किए गए थे। इसके एक साल बाद उन्हें रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी का अध्यक्ष बनाया गया था। 1999 में बोरिस जॉनसन की पार्टी के भीतर और बाहर में उसके अंदर और बाहर के विरोध के बावजूद पुतिन को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके बाद पुतिन ने राजनीति के क्षेत्र में से कभी भी पीछे न हटे। साल 2000 में पुतिन चुनाव में भाग लिया और बहुत आसानी से वह जीत गए। 2004 में फिर से उन्हें भाग लिया और बहुत आसानी से राष्ट्रपति बन गए। तीसरी बार रूसी संविधान के अनुसार वे चुनाव न लड़ सके, इसके बावजूद वे प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद 2012 में पुतिन तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति बन गए और तभी से वे राष्ट्रपति की भूमिका में हैं। व्लादिमीर पुतिन अपने इस अंदाज के लिए पूरी दुनिया के मीडिया में हैं। आपको पता कि व्लादिमीर पुतिन एक कितने एटीट्यूड वाले भी, उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, इसलिए पूरी दुनिया के मीडिया में वो भी उस अच्छा है रहते हैं और अभी तो उससे डबल में अभी तो सारे न्यूज चैनल में उनकी ही चर्चा हो रही है। पुतिन आज भी एकदम फिट रहते हैं। वो सिर्फ रूस के राष्ट्रपति ही नहीं, उसके साथ मार्शल आर्टिस्ट, जासूस, कराटे में ब्लैक बेल्ट, पायलट, टैंक चलाने वाले सैनिक, निशानेबाज,
रेसर और बाइकर भी है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसके अगले वीडियो में आपको चैलेंज के बारे में बताने जा रहा हूँ। थैंक यू।